जैसा कि आप सबको मालूम है कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी क्षेत्रों में सभासद प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। उसी क्रम में वार्ड 47 सागर सराय निवासी एडवोकेट अमित गुप्ता ने आम आदमी पार्टी से पार्षद पद के लिए अपना नामांकन कराया है, जिसके चलते आज एडवोकेट अमित गुप्ता द्वारा अपने क्षेत्र में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय उद्घाटन के दौरान क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यालय का उद्घाटन सभासद प्रत्याशी अमित गुप्ता के पिता मूलचंद्र गुप्ता ने किया। इस मौके पर उमेश गुप्ता, अनिकेत गुप्ता, छोटे लाल, ममता गुप्ता, वीना गुप्ता, विमल गुप्ता, प्राची गुप्ता, कैलाश गुप्ता, वीरेंद्र शर्मा, अमित सक्सेना, राजू दुबे, सुमित भारद्वाज, सोनू पाल, निशु माली, फरदीन कमाल, अरकान, तुषार भारद्वाज, अंकुर भटनागर, रुचि शर्मा, ममता अरोड़ा, मोहन दास, विकास चंद्र गुप्ता, महेंद्र पंडित जी, उमेश पंडित जी, सुभाष पाल, राजेश पाल, आशीष पाल, रमेश भटनागर, सुभाष आहूजा, नवीन भंडूला, ब्रजलाल माली, दीपक माली, कृष्णा आनंद, करण आनंद, अशोक मदान आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। उद्घाटन के इस मौके पर जब वार्ड 47 के प्रत्याशी एडवोकेट अमित गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे क्षेत्र की समस्याओं से क्षेत्रवासियों को निजात दिलाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से सफाई का कार्य और पार्टी की सही नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। परिवर्तन चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाइए और आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखते हुए ये सागर सराय में अमित गुप्ता को दिया गया है टिकट। कौन सा वार्ड है? वार्ड 47 है सागर सराय। नगर निगम में क्लिनिक बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक, और साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। पूरे वार्ड में 5 साल से कोई काम ढंग से हुआ नहीं है और बाढ़ के जनता काफ़ी परेशान है, तो हम ये कर्मठ ईमानदार अमित गुप्ता जी को समर्थन चाहते हैं। सब लोग सहयोग करें और इनके जिताने का काम करें। क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर परिवर्तन चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाइए। मेरा नाम अमित गुप्ता। किस वार्ड से, किस पार्टी से पड़े हुए? मैं आम आदमी पार्टी से वार्ड 47 से बुध बाजार सागर सराय के क्षेत्र से खड़ा हूँ। तो क्या क्या यहाँ पर परेशानी है वार्ड में? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी परेशानी गंदगी की है, साफ सफाई नहीं रहती है, हम उसे दूर कराएंगे। तो क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? नालियाँ साफ कराना सर्वप्रथम, सफाई व्यवस्था बनाए रखना, कूड़े की समस्या जो हमारे यहाँ की बाढ़वासियों को समस्त सम्मानित बाढ़वासियों को जो कूड़ा फेंकने में या उठवाने में दिक्कत होती है उसके लिए व्यवस्था करवाई जाएगी। गाड़ियों की निःशुल्क व्यवस्था करवाई जाएगी। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जो उसमें पब्लिक को दिक्कत आती है उसके लिए जो है हर महीने के महीने कैंप लगवा करके उसको सुलभ कराने की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। मुख्य रूप से हम साफ सफाई, कूड़े वगैरह उठाने की गाड़ी की व्यवस्था और जितनी भी सरकारी सूचनाएं होंगी वो पब्लिक तक पहुंचाई जाएंगी और पब्लिक को उसका लाभ उठाया दिलवाया जाएगा।